ओके दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार और क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने एक फॉर्म बनाया, उसको मैथड पोस्ट दिया, नेम उसका जो सर फॉर्म का वन दे दिया, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया, नेम वन दिया, पासवर्ड मैंने उसके पासवर्ड दे दिया नेम, और वैल्यू में मैंने उसको सबमिट बटन रखा उसका नेम, और उनका ऑन क्लिक पे मैंने बताया वैलिडेशन वन फॉर्म ऑन क्लिक पे वेरी बनिए फंक्शन। मैंने फंक्शन कॉल किया, उसका नेम दिया, नेम देने के बाद मैंने वेरिएबल गेट किया। एक वेरिएबल में सबका फॉर्म की वैल्यू जो जो इस फॉर्म के अंदर, पहले फर्स्ट फॉर्म जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर उसका जो सा नेम है उसके अंदर जो वैल्यू है वो गेट करके कहाँ पर दे दें, हमारी नेम वन में ले आए, ठीक है। डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ये कह सकते हो, जैसे भी आपको गेट करके यहाँ पर वन के अंदर, नेम वन के अंदर ले आए, ठीक है। इसी तरह सेम मैंने यही किया, फॉर्म वन था उसके अंदर पासवर्ड था, उसके अंदर की वैल्यू जो सी थी वो कहाँ लेके इसके अंदर सेव करवा दी पासवर्ड वन के। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर पासवर्ड जो सा है, नंबर है, नेम है, अगर नल हो, मतलब कोई ना हो, और एंड एंड की कंडीशन लगी, या पासवर्ड इक्वल टू नल, ठीक है, एम्प्टी, तो वो क्या करें, मुझे अलर्ट कर दे। अलर्ट करने के बाद रिटर्न क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, मतलब चला जाए। रिटर्न मतलब होता है फॉल्स, और रिटर्न ट्रू होता है कि रहेगा, उसके ट्रू है मतलब रहना ही है उसने वहाँ पर, दोबारा भी उसने वहीं रहना है, ठीक है। हमने रिटर्न फॉल किया, वो चला जाए। एज इफ में मैंने क्या लगाया, मैंने एज इफ की कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ पासवर्ड अगर डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू अगर लगा देता हूँ तो इसका मतलब आ जाता है कि थ्री को भी एक्सेप्ट करेगा, मतलब हमें फिर वन टू थ्री भी, थ्री से अगर थ्री भी हमारी वैल्यू हुई तो इसने कह देना है, इसने ये पासवर्ड नॉट करेक्ट कह देना, या इसने कह देना पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड लेंथ इज टू शॉर्ट, ठीक है, ठीक है, इसने ये कह देना है, ठीक है। तो अब उसके लिए मैंने अगर इक्वल टू लगाऊंगा तो मतलब दो, वन और टू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, थ्री और फोर, थ्री को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इक्वल टू नहीं लगाता मतलब इक्वल को मतलब होता है कि वो भी यूज होगा, ठीक है। तो अलर्ट किया, अलर्ट में उसने क्या किया, उसने पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। इस तरह आप बेशुमार किस्म के वैलिडेशन फॉर्म बना सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ दे के बना सकते हो, ठीक है। इसका मैं आपको बेसिकली समझाना था। अब ये है कि आप इसको किन की जगह पे कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको कह सकते हो, यहाँ पर ये भी आ सकता है अगर आपका फॉर्म न्यूमेरिक फॉर्म में हो, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म को नल कर दे, करेक्टर को नल कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी है ये हम वैल्यूएशन फॉर्म में बनाते हैं। तो अब एक चीज़ ये थी कि अगर मैंने कोई शो करवाना था डिव में, मैं डिव बनाता एक, या कह दो एच1 बना लेता, H1 बनाया, बेसिकली बाहर बना रहा हूँ, तो आप फॉर्म के साथ ही रखना, ताकि फॉर्म के साथ ही रख लेते हैं, बियर का टैग देखे से स्पैन के टैग के साथ इसको आगे शो करवाएं। तो ये वाला बियर का टैग लगाएं पहले, ठीक है, बियर का टैग लगा, ये क्या हुआ, एक लाइन ब्रेक करिए। अब मैं स्पैन के टैग से इसके आगे शो करवाना चाहता हूँ जो भी मैं करवाऊँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आईडी बनाई, तो सिंपल आईडी बनाओ, जो मर्जी नेम दो, क्या नेम देना इसको, तो कह लो फर्स्ट नेम, कह लो नेम वन टू कह, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अलर्ट की जगह क्या लिखा, डॉक्यूमेंट, मुख्तलिफ मेथड है, जो मर्जी मेथड यूज़ करो, बहुत सारे मेथड है इसके काम करने, इसको फॉर्म को लेके आने के, जो सा अच्छा लगे वो यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, पर यूज़ तो करो, ठीक है। इसका नेम क्या है, नेम वन टू, डबल क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, डबल में भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और डॉट इनर HTML, ठीक है, इनर HTML में इज इक्वल टू डबल क्वेश्चन। अब डबल क्वेश्चन में मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, इंटरनल नंबर, या मैं कह सकता हूँ हाँ प्लीज नंबर, सेव किया, गलती तो नहीं है, नहीं कौन लगा, ठीक है। अब मैं वापस रिटर्न में जा रहा हूँ, अलर्ट पे ठीक चल रहा था, इस पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, डॉक्यूमेंट लोड किया, टेलिंग बाय स्पैम में आई डी ठीक है, नेम एंड नेम वन टू, ठीक है, नेम वन टू भी ठीक है, ये कर रहा है, देखना पड़ेगा हमें,
एडर क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट हिंगर एचटीएमएल प्लीज इंटर नंबर ठीक है। अलर्ट में तो शो होना चाहिए, देख लेते हैं। आईडी नहीं गेट कर रहा, आईडी क्यों नहीं गेट कर रहा देखना पड़ेगा, आईडी गेट क्यों नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंट स्पेलिंग ठीक है यार, हाँ अच्छा जू लग गया था, सही है गलत है बताते भी नहीं हो यार आप। ठीक हो गया, तो फॉर्म वैलिडेशन अब कितना प्यारा, मतलब अपनी तरह से किस तरह मर्जी उसको एडजस्ट करके आप बना नहीं सकते। जैसे ये आ रहा है प्लीज इंटरनल नंबर, इसमें काफ़ी सारी इसमें ऑप्शन हैं, जिस तरह का आप चाहते हो मर्जी चाहते हो उस तरह का आप बना सकते हो। ऑप्शन है मतलब ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन होवर, ठीक है। तो बेशुमार ऑप्शन है, उसके बाद एक आपका होता है माउस, एक होता है फोकस, माउस आपका होता है माउस होवर, माउस स्क्रॉल, ठीक है। उसके बाद एक जो सी फील्ड आपको जरूरत जो सी मोस्टली पड़ेगी वो होता है आपका, वो ये कह सकते हो उसमें फोकस कह सकते हो, जैसे कि आप कर्सल आपका ऑटोमेटिकली ये कर्सल है ये नीचे चला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो फेसबुक पे, ठीक है। जैसे ही मैं फेसबुक में आता हूँ ये देखो वो कर्सल उधर ही रहता है, देख रहे हैं ना कर्सल, मतलब वो राइट करने वाला कर्सल उसी तरह आता है। तो ये चीज़ें जो सी होती हैं बेसिकली हमें बनाना आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब ये रेड कार्ड है, हर लाइन को रेड कार्ड है, तो आप भी रेड कर सकते हो, आईडी बना के उसे कॉल कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई में बता सकते हो कि इसे ये वाली चीज़ों को रेड कर दे, इन सबको रेड कर दे, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझना होता है, बाकी हर चीज़ अप्लाई हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो जो सब मैं काम कराना चाह रहा हूँ वो लेंथी है, तो आपकी भी समझ नहीं आनी, तो इसलिए यहाँ तक ठीक है। इसलिए अगर कोई आपको अगर कोई इशू है तो आप ये है कि आप अपना नॉर्मल सा फॉर्म बना सकते हो, और उसमें ये देख लो प्लीज इंटर नंबर, ठीक है। कर्सल किस तरह आएगा उसके लिए सर्च करते हैं गूगल पे, कर्सल फोकस कर्सर ऑन इनपुट, ठीक है। ये देखो पोर्ट उसे कर्सर टू इनपुट, ठीक है। अब उसने क्या उसके लिए वैल्यू लिखी, ऑटो फोकस, सिर्फ ऑटो फोकस लिखना था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई के साथ। ऑटो फोकस लिखते हो तो ऑटो फोकस में कर्सर उधर ही रहेगा, तो ये चीज़ थी। ये इसने से क्वेश्चन किया है, आगे लोगों ने आंसर दिए होंगे, ठीक है। तो उसने लोगों ने ये दिया है ऑटो फोकस, ऑटो सेलेक्ट, और उसके बाद ये देख लें, ये उसने कुछ फॉर्म बनाया है, तो इसलिए अगर आप एक बार करोगे तो आपको फिर समझ लगेगी कि फॉर्म में बना गया है। उसने सिर्फ और सिर्फ उसको जो सा उसने वेरिएबल कॉल किया था उसको उसने बता दिया है कि ये वाला वेरिएबल जो सा है ये सिर्फ उसको डॉट फोकस कर दिया है। तो हम भी ट्राई कर लेते हैं, हमने उसने क्या किया, ये जो वेरिएबल नेम वन है के अंदर इस नेम वन कर दिया, हम जाते हैं फॉर्म पे, नहीं उसने फोकस सेट नहीं किया इस पे, और प्रॉब्लम आई है। अच्छा नेम वन डॉट फोकस, असल में ये यहाँ पर कहीं लगता है, दोबारा देख लेते हैं, इज नन क्वांटिटी वैल्यू जो नन हो और उसके बाद टर्न फॉल्स कर दे, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू इज नो, ये बनाया गया जो फॉर्म है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कि आप कोई और वैल्यू नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये फॉर्म जो से है इस तरह आपको अगर आता होगा तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, यूज़ कर सकते हो उसे इजीली। तो वो देख लेते हैं किसी का, कोई बात नहीं, सर्च कर लेते हैं उस। बेशुमार लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। बेसिकली ये इतनी देर में हमें ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऑटो फोकस भी हो सकता है, या ऑटो फोकस लगता है कि मतलब ऑटोमेटिकली फ्रंट कर्सल खुद ब खुद ही अपने इस पे चले जाए, फ्रंट वाले पेज पे, उसे कहते हैं ऑटो फोकस। उसके अलावा ये देखो ऑटोमेटिकली ये कर्सल उसके ऊपर आया हुआ है, तो ये होता है ऑटो फोकस। डॉट यहाँ पर डॉट के साथ ऑटो ऑटो फोकस यहाँ नहीं लगेगा, लगेगा कहीं पे भी है, थोड़ी है वो बंद हो गई है। ठीक है, अब देखना पड़ना है उसे फॉर्म के हिसाब से। यूज करता रहा हूँ ऑटो फोकस भी, याद नहीं आ रहा कब किया था, फॉर्म बनाए थे काफ़ी सारे इससे, अब तो उठा उठू लेते हैं इधर उधर से, जरूरत नहीं पड़ती। असल में प्रोजेक्ट बनाए थे मेरे प्रोजेक्ट में ना, रैंसम वेयर का, किसी को पता है रैंसम वेयर? नमस्ते सर, वायरस है? है तो वायरस है, रैंसम वेयर। फाइल रैंसम वेयर एक ऐसा वायरस, हाँ रैंसम वेयर ऐसा कोडिंग वायरस, सारी चेंज कर हाँ देता है। कोडिंग नहीं चेंज करता, रैंसम वेयर एक ऐसा वायरस है, वो ना बेसिकली ये बनाया जाता है ब्लॉक चैन के थ्रू, ब्लॉक चैन में बनाया जाता है, और इसमें हर तरह का वायरस इसमें शामिल है। ये जो सा है जो सा ना, हाँ सबको खराब कर करता है, और सब, जिस हर फाइल के जो इंटरनल पोर्ट होते हैं विंडो रीड करने वाली, वहां तो खराब कर देता है, और सिर्फ रिकवरी भी नहीं है इसकी। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो जावा स्क्रिप्ट, जो जावा कह दिया, आपकी जो सी विंडोज की फाइल है ना, जिप फाइल, सिर्फ वो बचती है। इसके अलावा जो भी डाटा होता है वो सारा डालता है। ये देखो रैंसम वेयर, और ठीक है कोई ऐसा इन्होंने एंटीवायरस भी इसके अगेंस्ट नहीं दिया कि उसको दिया, रिकवरी दिया, ये हो रही है इस पे काम भी कर रहे हैं। तो इस पे रैंसम वेयर जो वायरस है, तो ये ऐसा वायरस है, ये किससे आता है, जब आप क्रैक वर्जन ढूंढते हो ना, क्रैक वर्जन मिलता है ढूंढते हो, तो क्रैक वर्जन के थ्रू आपके सिस्टम में दाखिल किया जाता है, और बाद में जो हैक करता है वो डिमांड करता है कि मुझे $250 ट्रांसफ़र किया जाए मेरे अकाउंट में, तो मैं आपको मुझसे बल्कि ईमेल में पहले बातचीत करो, तो मैं आपको पेमेंट करनी होगी $250 से $300, या कोई कभी $700 भी कहते हैं, कोई अपनी डिमांड लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम आपका ठीक करके देंगे, फिर एक दो फाइल हम आपकी ठीक करके देंगे, उसके बाद आपको हम ठीक नहीं करके देंगे, उसके बाद आपने खुद ट्राई मतलब पेमेंट करोगे तो हम करके देंगे। तो ये रैंसम वेयर की बहुत सारी किस्में हैं। मेरे पास जो होता था ना TOPI था, ठीक है, मेरा जो सा मुझे आया था वो लेटेस्ट आया था, तो मेरा तब उस टाइम उसके रिलेटेड कोई एंटीवायरस बनानी था, तो ये इस पर काम हो रहा है, पे गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, काफ़ी सारा काम कर रही है। ये देखो डिमांड करते हैं, कितनी डिमांड करते हैं, $300 की, तो इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए थे पर किसी ने उसको क्लियर नहीं किया, तो अगली का चांस अभी तक बने है की आ जाती है, इसकी जब ना पुराना हो जाता है ना, न्यू बना लेते हैं, न्यू बन जाता है, पुराने वाले को की आ जाती है, मतलब ढूंढ लेते हैं यार, अगर हैकर बैठे हैं तो उसको क्रैक करने वाले, मतलब वायरस को रिमूव करने वाले भी बैठे हुए हैं, ठीक है सर, बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन दीवार फिर वही रहा, हाँ ठीक है। तो उसको बनाने, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है यही कि आपने कभी क्रैक क्रैक साइड से क्रैक यूज़ करना है कभी भी, तो आपने क्रैक साइड अच्छी वाली क्रैक साइड में जाके यूज़ करना है, जैसे 137 मैंने बताई थी, इसके बाद फाइल हिपो है, और बस और भी बहुत सारी वेबसाइटें हैं, ठीक है, मतलब जो उसी वेबसाइट ठीक हो ना उससे जाके आप क्रैक वर्जन डाउनलोड करें, और इसके अलावा कहीं और से ना करें। तो मैंने हार्ड चेंज की थी टोटली, क्यों की थी,
ओके, उस बैंक से भी आया था, प्रॉब्लम कर रहा था, सब सॉफ्टवेयर, सब जो वेबसाइट थी, जो भी कुछ बनाया था ना, सबको उसने मुझे ना एक्सटेंशन TOPI की लगा दी, उसके बारे में मूवी नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये देखनी पड़ती है। रैंसमवेयर की भी आती है, सब फाइल को, हर एक फाइल को डिस्टर्ब करता है, सिर्फ विनरा की फाइल बचती है। और मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर थे, मैंने ना सिर्फ मेल किए हुए थे, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर सिर्फ बचे थे जो मैंने लोगों को मेल किए हुए थे, बस। उसके अलावा मुझे कोई मेरा सॉफ्टवेयर कोई कुछ भी नहीं बचा, सब उसने उड़ा दिए। ठीक है, तो इसलिए रैंसमवेयर है, ख़तरनाक है, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके ना इसलिए इसको ना क्रैक भी आता भी इसलिए है कि जब आप ना कहीं और ऐसी वेबसाइटों में जाते हैं जहाँ से आप क्रैक डाउनलोड करते हैं, जो उनसे वेबसाइटें ऑलरेडी उस पर अंडर होती है वायरस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए कभी कोई ऐसी वेबसाइटों में जाके ना मूवी डाउनलोड करें ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। ठीक है, बहुत सारी लीगल साइट हैं जो क्रैक भी अच्छा प्रोवाइड कर रही है, क्रैक वर्जन खुद ही आ जाता है, वो आपके सिस्टम को उसी टाइम आपके सिस्टम के ना साइड पर आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगी कि रीसेट करो अपना सिस्टम, तो वायरस आया। ये ऐसा वायरस है, ये ना हमारा जो सब कंप्यूटर ना लैपटॉप का ये एंटीवायरस है जो सा, ये भी उससे नहीं एक्सेप्ट करता, मतलब उससे पूछता ही नहीं है कि वायरस है या नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है सर, तगड़ा बहुत तगड़ा है यार। मैं कह रहा हूँ कि जो सा इसको अभी तक इसका एंटीवायरस सही तरह बना नहीं है, मतलब की आती है, वर्क हो रहा है इस पे, पर नहीं वर्क अभी तक वर्क हो रहा है, पर कोई अभी तक इतना कामयाब नहीं हुआ जो बनाता है वो। तो मैं सर ये भी किसी कंपनी ने बनाया होगा यार, जाहिर है कोई शरारत कंपनी करती है, मतलब कोई एक आधा बंदे को होता है इंटेलिजेंट होता है इस फील्ड में, वो ही जाते हैं काफ़ी आ जाते हैं, तो वो फिर ये सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। तो बड़ी बहुत मैंने रिसर्च की थी इसके बारे में, कोई हो गए मिलते हैं, पर नहीं कोई अभी तक की नहीं बनी थी। जिस गूगल आर्टिकल पढ़े हुए थे काफ़ी सारे मैंने पढ़े हैं, कोई भी नहीं कह रहा था, कहते ये अभी तक इसकी की आती है, की आएगी, की पहला कौन जनरेट करता है, की जनरेट करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो हायर किए हुए ना डेवलपर और मतलब एक्सपीरियंस डेवलपर बैठे हुए हैं उनसे, वो इनको क्रैक करते हैं, तो उनको भी क्रैक करते करते इस पे एक दो महीने लग जाते हैं, और जब वो एक दो महीने लगते हैं वो नया निकाल देते हैं। अच्छा, ये की निकालने में रहते हैं, वो न्यू निकालने में रहते हैं। मैं ये ठीक है, वो कहते हैं इनसे, वो भी एक दो हाथ उनसे आगे है ना, इन दोनों की लड़ाई में लोगों का बेड़ा गर्क हुआ। हाँ सही बात है, वो यार सिस्टम को पूरा ना, मतलब कह लो कि मूवी से लेकर ना सॉन्ग ऑडियो वीडियो हर चीज़ को लॉक कर देता है, हर चीज़ को एक्सटेंशन साथ अटैच कर देता है TOPI की। और इसके अलावा भी बहुत सी एक्सटेंशन हैं, रैंसमवेयर की अगर एक्सटेंशन हैं बहुत सारी, देखना कि रैंसमवेयर। ठीक है, तो देखते हैं रैंसमवेयर उसकी क्या देते हैं टूल नहीं, रैंसमवेयर एक मिनट, टाइप्स। ठीक है, रैंसमवेयर टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स। ठीक है, तो अब देखो रैंसमवेयर की टाइप्स, देखना कितनी आएगी, बेशुमार टाइप्स है, वो निकालते हैं कि ये आगे से न्यू जनरेट कर देते हैं। ठीक है, यही चीज़ चल रही है अभी से, ये इसमें इतनी टाइप्स लिखी हुई हैं, तो ये भी टाइप्स है रैंसमवेयर की। इसमें रैंसमवेयर में एक्सटेंशन ही बहुत ज़्यादा है, जो उनकी उसके साथ एक्सटेंशन लगती है ना, जैसे आपकी JPG होती है इसके साथ, वो ये देखो ये टोपी एक्सटेंशन लगा देता है, ये मुझे आई थे, और इसको रिमूव करने का उसने फाइंड करने का पता नहीं मैथड बताया नहीं पाया, ये मुझे मैसेज आया था उसकी तरफ से। ठीक है, और मुझे कह रहा था $980 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराओ और आपको सीख कर दिया जाएगा सिस्टम। मैंने कहा रहने दो, ये इस तरह की ये बन जाती है, ये फाइल्स है ना, ये फाइल्स बन जाती सारी, सिर्फ विनरा की फाइल के अलावा। ठीक है, सब किस्म की ये सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ करके भी देख लिया है, पर ये कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, पर ये न्यू आया है, ये देखो इसने ये ये जनरेट कर रहा है, शायद ये रिमूव कर दे, ये ट्राई नहीं किया अभी। ठीक है, मतलब निकलता रहता है, की निकलती रहती है, तो सॉफ्टवेयर होता रहता है। तो इसकी एक्सटेंशन अगर देखी जाए, एक्सटेंशन लेट 2019 में उन्होंने पता नहीं बेशुमार एक्सटेंशन बना दी। अगर अगर इनकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में तो नहीं सिर्फ आता, हर जगह आता है ये एक्सटेंशन है, कहाँ गई, कहाँ काफ़ी सारी एक्सटेंशन है इसकी, अगर मिल जाए तो बताता हूँ आपको।
ये है सब, ये सब एक्सटेंशन के साथ अटैच होती हैं उतने, बस कह लो कि अंडी डाली हुई है इन्होंने, पैसे मांगते हैं। ये देखो यहाँ तक, ये 2019 की बता रहा है कि यहाँ इतनी एक्सटेंशन साथ आ गई हैं। तो ये लोगों को अब देख लो, वो एक निकालते हैं, वो उस पर कोई उसकी की ढूंढते हैं और की उसको फाइंड करते हैं, वो नेक्स्ट निकाल देते हैं, वो नेक्स्ट निकाल देते हैं रैंसमवेयर। मतलब उस टोटली ना जो साहब, वो वायरस ऐसा है कि मतलब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ना अपने पेट में लिया। मोस्टली इसलिए लोग ना, ये वायरस से बचने के लिए लोग एक तो एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्पल की चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वायरस बहुत कम आता है। ठीक है, इसका एंटीवायरस एप्पल में नहीं आता, एप्पल में चीज़ में नहीं आता, एप्पल में वायरस इसलिए नहीं आता कि एप्पल की जो भी एप्लीकेशन है ना, वो सबसे पहले तो वो चेक होती है, वो चेकिंग होती है, पहले तो ऑटो चेकिंग होती है, फिर मैनुअल चेकिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर जाके वो पब्लिश होती है। ठीक है, इसलिए आपने कभी देखा हो कि कभी हैंग तो है, हो जाते हैं, हैक भी हो जाते हैं एप्पल के फ़ोन भी, पर वायरस नहीं उसमें, ना फ़ोन में है ना लैपटॉप है। इसलिए लोग इनको लाइक इसलिए करते हैं बिजनेसमैन मोस्टली, एक एप्पल का फ़ोन और एक विंडो फ़ोन, ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, विंडो फ़ोन सिक्योरिटी वाइज ज़्यादा है और एप्पल का फ़ोन वायरस प्रोटेक्ट है, वायरस नहीं आता इनमें। इन्होंने अगर किसी ने आईफोन यूज़ किया तो उसका एंटीवायरस नहीं बना हुआ। ठीक है, इसलिए लोग इसको लाइक करते हैं आईफोन को। आईफोन की मेन वजह यही है कि इसमें मोस्टली अगर एंड्रॉयड की नस्बत देखा जाए ना, तो आईफोन एंड्रॉयड की नस्बत कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड में बेशुमार चीज़ें हैं, एक बेशुमार फंक्शनैलिटी है, तो आईफोन में उसकी नस्बत बहुत कम है। तो आईफोन इसलिए हम पाकिस्तान वगैरह में यूज़ करते हैं, लोगों ने सिर्फ शौक के लिए रखा है, बाकी उसमें फंक्शनैलिटी वगैरह नहीं है। यूरोप इसमें जो भी चीज़ आपने लेनी है परचेज करनी पड़ेगी, तो परचेजेबल है ज़्यादातर इसमें ना, एक्सटेंशन है, गेमिंग वगैरह ये सब चीज़ ना परचेज है, तो इसलिए हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं एंड्रॉयड फ़ोन। एक तो एंड्रॉयड फ़ोन थोड़ा सा सस्ता है, और दूसरा इसमें मतलब एप्लीकेशन है, आप किसी भी किस्म की एप्लीकेशन जो आईफोन में पेड है वो आप फ्री यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आईफोन में लोग मूव इसलिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैन जिनको, जिन्होंने थोड़ी बहुत या फंक्शनैलिटी वगैरह यूज़ करनी है, तो उनके लिए आईफोन बिल्कुल परफेक्ट है। तो मोस्टली जो उनसे लेडीज़ के लिए आईफोन बेस्ट है, लेडीज़ मोस्टली यूज़ करती हैं आईफोन। बॉयज़ तो सिर्फ शौक के लिए यूज़ करते हैं, कि बाकी बैक एंड पे तो वो रो रहे होते हैं आईफोन लेके, क्योंकि आईफोन की कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है कि मतलब ऐप्स वगैरह ऐसी हैं जो उनसे नहीं है एंड्रॉयड में, वो आराम से ईजीली आपको जैसे मर्जी अवेलेबल है। तो मुझे तो खुद आईफोन मैं पहले यूज़ करता रहा हूँ, पर मैं उसके साथ मैंने फिर भी एंड्रॉयड फ़ोन रखा था, तो फिर मैं अब दोनों का बोझ एक टाइम पर उठा नहीं बन सकता, इसलिए मैंने फिर एंड्रॉयड ही रख लिया। ये होती है एंड्रॉयड आईफोन वायरस प्रोटेक्ट है सब, उसकी एक ऐप बनती है तो पब्लिश होने के साथ साथ उसकी चेकिंग होती है, मैनुअल चेकिंग होती है, ऑटो होती है, टेस्टिंग होती है, फिर जाके कहीं पब्लिश करते हैं। और इसका लाइसेंस है ना, जैसे गूगल प्ले स्टोर है, इनका मोबी, मोबी का नाम सुना है, एड मोबी। एंड बेसिकली जब आप प्ले स्टोर में एड मोबी होता है, बेसिकली आपका जो सा एडसन है ना, जिस एडसन का तो नाम सुना होगा, एडसन जी सर, एडसन का सुना। ठीक है, एड मोबी भी एडसन से अटैच होता है। ठीक है, एड मोबी है। ठीक है, ये भी एडसन से अटैच होता है, पर एड मोब क्यों यूज़ किया गया, एड मोब प्ले स्टोर के लिए बनाया गया है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन अपलोड करनी है प्ले स्टोर में, तो एड मोब का पहले अकाउंट परचेज करोगे, फिर आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में अपलोड करोगे। ठीक हो गया, ये तकरीबन 3,035 का है। ठीक है, 3,035 का है, पर इसकी नस्बत अगर iOS को देखा जाए, iOS को आईफोन का देखा जाए, उसका अकाउंट है तकरीबन 45,000 से 40,000 के राउंड अबाउट, ये हज़ारों में है, 40,000 का अकाउंट है, 40 iOS अकाउंट, बस 229 कितना हो गया आपका, 165 है, 300 कह लो, $300 इतना ही बन जाता है तकरीबन, जी बाबा सारे बन के 165, 49.50 का है, और फी जो एनुअल फीस है उसकी फिर $90 है, $99। और जब अगर मैं एड मोब की देखूं, अकाउंट प्राइस 2500 उनकी है इंडियन की,
और हमारी तकरीबन यही हो जाएगी 3,350। तो खुद साफ लगा लो वो कितना महंगा अकाउंट है। एक बार सर ये मंथली है? मंथली नहीं है, ईयरली है। वो उसने वैसे दिया हुआ है, वैसे ईयरली यूज होता है सर। ये जो भी अकाउंट आते हैं ना वो ईयरली यूज होते हैं, ठीक है। ये ऐड आप देखते होते ना, गेमिंग चला रहे हो तो उसमें एक ऐड आती है, ये इसी वजह से ऐड आती है। लोगों ने अंदर ऐड लगाई होती है, वो तो आगे की बात है, वो देख लेंगे कब है। तो बाकी ये एडमो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको कोई पूछ ले एडमो का अकाउंट। तो यहाँ से अकाउंट परचेज किया जाता है, उसके बाद जो सी एप्लीकेशन आपने फेंकनी है फेंक दो, कॉपीराइट से विदाउट कॉपीराइट एप्लीकेशन में भी कॉपीराइट करता है। अब वो गेमिंग डेवलपर था कजन एक मेरा, उन्होंने एक ऐप बनाई और एक ऐप प्ले स्टोर में बहुत हिट हो गई और iOS में भी बहुत हिट हो गई। तो 3 महीने बाद क्या हुआ, उसको कॉपीराइट आ गया साउंड का, पता नहीं कौन सा साउंड मैच हो गया उसने कि साउंड एक मैच कर लिया किसी और ऐप के साथ, और सिर्फ साउंड मैच हुआ है, और साउंड मैच की वजह से उसने ऐप प्ले स्टोर से भी डिलीट हो गई और iOS का तो अकाउंट ही उड़ा दिया वो साउंड की वजह से। iOS का अकाउंट उड़ गया, उन्होंने क्या किया, अकाउंट बनाना एक मुश्किल बहुत है ना, क्योंकि बाहर से बनता है और बाहर का पहले कोई बंदा ढूंढो, उसके बाद उसको कि भाई बना दे, तेरी मेहरबानी बना दे। तो पहले तो बात नहीं सुनेगा USA UK वाला, पहले तो बात नहीं सुनते, क्योंकि मोस्टली UK USA वाले बात नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, वो कहते भाई हम नहीं बना के दे सकते, जो मर्जी जितना मर्जी जीत है वो नहीं बना के देता, ठीक है। तो इसलिए वो जो सा ना हमें जो अकाउंट है वो बाहर से बनाना पड़ता है। तो इसी तरह गेमिंग बना रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दफा करो ये अकाउंट तो बनना नहीं, अब एडमो का तो बन जाएगा पर ये बनना नहीं है, तो उन्होंने सेटअप ही बंद कर दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप था, बहुत कमाल का बना हुआ था, उसमें सब पीपल के पड़े हुए थे लैपटॉप वगैरह ना, बहुत अच्छी गेमिंग डेवलपमेंट हो रही थी। हर मैकबुक पड़ी हुई थी, मैकल 1 लाख से अबव थी सारी, तो बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ था। उन्होंने सेटअप उठाया, उन्होंने कहा निकलो पास, ख़त्म कर दिया उन्होंने, उन्होंने सारा सेटअप ही खत्म कर दिया अकाउंट जब उड़ा। वो गेम की हिट भी हो गई थी, असल में गेमिंग का ये इशू बहुत आता है ना, साउंड का बहुत इशू आता है, कोई साउंड मैच हो गया, जैसे अब कोई भी गेम खेलते उसमें साउंड चला होता है ना, वो साउंड भी डेवलप करना पड़ता है, खुद ब खुद डेवलप करना पड़ता है, या गूगल सर इतनी तो गेम है आजकल समझ आती गेम की, ठीक है, या साउंड डेवलप करना पड़ता है, या गूगल साउंड से आप साउंड ले सकते हो, पर लोग खुद डेवलप करते हैं अपनी मर्जी का ताकि थोड़ा अच्छा सा बने गेम के हिसाब से। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। आपने कोई ऐप वगैरह बनानी हो, लोग ऐसे भी करते हैं कि HTML से वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और उधर अपलोड कर देते हैं गूगल में, गूगल से कोई डाउनलोड करे तो उसमें यूज़ कर सकता है, तो आपको उसकी पेमेंट आती रहेगी इससे, अगर ऐड लगाई होगी तो आपने, ठीक है। तो बहुत अर्निंग हो रही है इससे भी, अर्निंग के सब सोर्स हैं और कुछ नहीं है, ये सारा कुछ अर्निंग है, जो भी इस फील्ड में है अर्निंग के सोर्स हैं। अरे एडसन का किसी ने को बताओ, सर मुझे पता है, मुझे पता है एडसन का। किस पे करते रहे वर्क, यूट्यूब पे या सर? मैं यूट्यूब पे। एडसन दो किस्म के होते हैं ना, होस्टिंग और नॉन होस्टिंग। सर होस्टिंग है मेरा। सही है, तो दो किस्म के होते हैं, एक यूज होता है होस्टिंग, जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है मोस्टली मोस्टली वेब के लिए यूज होता है, ठीक है। तो नॉन होस्टिंग यूज हो रहा होता है यूट्यूब के लिए। मैं भी यूट्यूबर रहा हूँ, पहले मैं यूट्यूब का काम करता रहा हूँ। तो यूट्यूब में यार ये है कि अर्निंग बहुत आती है, बहुत अर्निंग है यूट्यूब में, पर क्या है कि वीडियो वायरल होने की बात है, और वीडियो वायरल हो यूरोप कंट्री में, फिर पाकिस्तान कंट्री में पेमेंट नहीं होती। पाकिस्तान कंट्री में मेरी एक वीडियो पाकिस्तान, इंडियन और बांग्लादेश में वायरल हुई, उसमें मेरे व्यू चले गए 500 तक के का गया, उसने मुझे अर्निंग पता कितनी दी, सिर्फ और सिर्फ $80। और एक मेरी वीडियो यूरोप में वायरल हुई, उसके हुए थे अभी 300K, तो 300K में उसने मुझे तकरीबन $250 से $300 दे दिए थे। मतलब ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस यूरोप के एड्स होते हैं और पाकिस्तान के होते हैं। हाँ तो जाहिर है पाकिस्तानी पेमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी पेमेंट कर रहे हैं पैसों से, और यूरोप पेमेंट कर रहा है डॉलर से, सेंट जब सेंट पाकिस्तान में मिलते हैं तो जाहिर है कि उसने एड में ज़्यादा इजाफा करना है, ठीक है, ये वजह होती है। तो इसलिए
यूट्यूब में बहुत काम है, आप अपना छोटा मोटा एक चैनल बना के बनाओ, लाजमी बनाओ, ठीक है। एक साल बाद, साल लगेंगे, साल क्योंकि लग ही जाता है मोस्टली ना, साल लग जाता है, जब तक आप डेवलप होते हो तो तब तक आपका चैनल भी हिट हो जाएगा। बट कंटेंट जो है वो कॉपीराइट ना यूज़ करो कभी, कंटेंट अपना ही यूज़ करो विदाउट कॉपीराइट, ठीक। बस ये है कि विदाउट कॉपीराइट यूज़ करोगे तो कभी आपको स्ट्राइक नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। पर जब आप, मेरे चैनल उड़े भी तभी थे ना कि मुझे स्ट्राइक आई थी, मेरे एक चैनल नहीं था, मैंने तीन चार बनाए हुए थे चैनल, और सब में मैंने सब फाइटिंग वाले बनाए थे, WWE के रिलेटेड। ये था कि WWE वाली जो चीज़ ना, ये ना आपको जाते जाते ना पेमेंट अच्छी खासी दे जाती है, इसलिए चैनल तो उड़ना ही उड़ना है। अगर कॉपीराइट यूज़ कर रहे हो आज नहीं तो दो हफ्ते नहीं महीने बाद चैनल उड़ जाना है, चैनल उड़ाना है, पूरा उड़ जाना चैनल, ना कि वीडियो उसने उड़ानी है, उसने चैनल ही पूरा उड़ाना है। ये भी होता है कभी कभी जीमेल अकाउंट भी उड़ा देता है, चैनल मोनेटाइजिंग नहीं है, नहीं ना, मैं वर्क करता रहा, मुझे पता है ना, मैं बताता हूँ ना, कभी वार्निंग आती थी कि एक आपकी वीडियो पे वार्निंग आ रही थी, ठीक है, और कभी ऐसे होता था कि चैनल उड़ा देता था पूरा, ठीक है, उसने पूरा चैनल उड़ा देना। उसके बाद कभी कभी एक मुझे वार्निंग आई ना, मुझे पता है ना, मुझे तो आई है खुद, अगर किसी और का यूँ पूछा होता तो फिर तो बात ही, मुझे खुद वार्निंग आती रही है। तो एक बार मेरा चैनल उड़ा, एक बार मेरा चैनल भी उड़ा, मेरा उन्होंने यूट्यूब के साथ लिंक भी ख़त्म कर दिया, चैनल का जीमेल का, YouTube के साथ लिंक खत्म किया, चैनल उड़ाया, Google Adsense तक उड़ा दिया मेरा, ठीक है। उसके बाद में जो न्यू चैनल बनाता वो भी उड़ जाता था। फिर मैंने क्या किया, विंडो न्यू की उसके बाद मैंने यूज किया, दोबारा यूज करना स्टार्ट किया। सर गूगल एडसन का बता दें थोड़ा सा, ये क्या होता है? गूगल एडसन होता है, एडसन होता है आपकी वेबसाइट के, जब जैसा कि हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, ब्लॉग्स की वेबसाइट खोलते हैं, हमें याद नहीं आ रही थी वेबसाइट, तो चलो देख लेते हैं कोई वेबसाइट, ठीक है, उर्दू पॉइंट देख लेते हैं, उर्दू पॉइंट में भी लगी हुई है, काफ़ी जगह लगी, हर किसी ने लगाई हुई है। ये देखो ये ऐड चल रही है ना, ये ऐड है ना, ये देखो एक ये ऐड है, और कोई ऐड, यही ऐड हर जगह जा रही है, ठीक है। ये जो ऐड है ना, इस ऐड के ये जो ऐड कैसे लगाई जाती है, ये ऐड कब आती है, जब आपका आपकी वेबसाइट गूगल एडसन के साथ अप्रूव होती है। गूगल एडसन का सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, गूगल एडसन बस अकाउंट बनाने आप अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन, ठीक है। आपने सिर्फ गेट स्टार्टिंग अगर बना हुआ तो ठीक है, गेट स्टार्टिंग में जाना है तो मेरा ऑलरेडी मेरा कल बना होगा, ठीक है, उसने मेरा बनाया होगा, यहाँ पर URL देना है अपनी वेबसाइट का, नहीं है तो ठीक है, तो अपने अकाउंट सेव कर देना है, ठीक है। ये हो गया गूगल एडसन का अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो गूगल एडसन दो तरह के अकाउंट बन जाते हैं, एक होता है वेबसाइट से, एक होता है यूट्यूब से। यूट्यूब में ऑप्शन होती है, अगर जाएँ तो YouTube में मोनेटाइज के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है, ये देखो नोटिफाई माई देन आई एम एलिजिबल, जब यहाँ पर ऑप्शन आएगी तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ साथ आप इजीली क्या कर सकते हो, आपके पास Google Adsense का एक सेट आएगा, वहाँ पर जाके आपने सिर्फ और सिर्फ Google Adsense का एड्रेस देना है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे आप इजीली अर्निंग स्टार्ट कर देते हो, जब आपका ये वाला टाइम पूरा हो जाता है, वॉच सब्सक्राइबर 10,000 हो जाते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और वॉच टाइम 40 घंटे हो जाता है, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका मोनोटाइज की ऑप्शन आती है, वहाँ पर जाके आप वो जो गूगल एडसन ये बनाया है मैंने इसके साथ बनाया है, यहाँ पर एक लिंक जनरेट हो जाता है, ठीक है, उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर अटैच, ठीक है, यहाँ पर जाके लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन होती है कि डायरेक्ट भी ऑप्शन होती है, दो ऑप्शन होती हैं, एक लिंक उठा के आप यहाँ पर लगा सकते हो, दूसरी ऑप्शन होती है कि आपके पास यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन देती है, गूगल एडसन का अकाउंट साइन इन कर लो, ठीक है। अगर साइन इन कर लोगे तो डायरेक्ट खुद ही कर लेगा, अदरवाइज आपको वहाँ से उठाना पड़ेगा और यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज़ हो गई, उसके बाद ये एडसन होता क्या है, एडसन एक वे है
जिसके थ्रू हमारी जो अर्निंग यूट्यूब की और वेबसाइट की अर्निंग है वो सीधा एडसन के अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो ये जो एक वे चाहिए, तरीका चाहिए, जैसा कि आपको कोई फाइवर से अर्निंग आ रही है, फाइवर से अर्निंग, यहाँ तो आपके पास पाइनियर का कार्ड है तो आप वो अटैच कर लो, और पेपाल का अकाउंट है तो आप पेपाल में ले लो पेमेंट, ठीक है। अगर नहीं है तो पाइनियर अटैच करना पड़ता है, पाइनियर पाकिस्तान में भी चल रहा है पर हम उससे कैश नहीं ले सकते, मतलब कार्ड के थ्रू या किसी के थ्रू कैश नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ या तो जैस कैश को अटैच करते हैं या अपने बैंक को अटैच करते हैं, ठीक है। कोई भी बैंक पाकिस्तानी अटैच कर लो, वो उसके बैंक में चले जाते हैं। मतलब एक वे है, एक तरीका है, एक तरीका था जिसके थ्रू हमारी अर्निंग पहले पाइन जी सर बेल आइकन को ऑन करके अपने चैनल की। यार मुझे नहीं पता कहाँ से हो रही है, मैंने कभी देखी नहीं है, कोई आइडिया है तो बता दो। सर ये आपका चैनल सर होता ही नहीं, आता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा है मेरा चैनल खराब हो गया, आता ही नहीं है। नहीं सर मैं टैग नहीं लगाया हुआ ना सर, कीबोर्ड में जाके अपने टैग लगाए। ओके हाँ ये भी सही है, अच्छा सर मेरी तरह तो यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है, ठीक है मैं टैग लगा देता हूँ जाके ना आज, ठीक है ये भी इशू हो सकता है टैग का, ठीक है। तो मैं सिर्फ चार पांच वीडियोस मैंने देखी नहीं अभी तक, असल में मैंने काम किया था यूट्यूब में आज से दो से तीन, तीन से चार साल पहले, अब ना तब ये नहीं था, ये वॉच टाइम सब्सक्राइबर ये नहीं थे, डायरेक्ट अर्निंग स्टार्ट होती थी। अभी भी काम कुछ भी नहीं है, ये सब्सक्राइबर ये वॉच टाइम का कोई इशू नहीं है, आप कंटेंट अच्छा बनाओ खुद ब खुद ये खुद ही फील हो जाते आराम से इजीली, ठीक है। तो बाकी बात ये थी कि एडसन का मैंने बता दिया, एडसन ये होता है अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने वर्क किया हुआ है यूट्यूब में भी, कोर्स ही परचेज किए थे मैंने काफ़ी सारे तब ना, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो ये है कि अगर यूट्यूब के लोग, ये बेनिफिट है यूट्यूब में कि आपको अगर जब चैनल हिट हो जाता ना तो फिर ये होता है कि आपको बैठ के खाना पड़ते हैं, ये बैठ के खाने वाली अर्निंग यूट्यूब की है, काम कम करना और अर्निंग ज़्यादा। अगर आप गोरों की अगर गोरों की फाइबर के बारे वो मैं फाइबर के बारे में एग्जांपल कैसे मतलब फाइबर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, अभी कोर्स में अगर किसी ने चेक किया कोर्स पूरा डिटेल से है तो स्टेप वाइज चलेंगे, ऐसे में फाइबर का बता दूंगा ना तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइबर करेंगे कोई इशू नहीं है, उसके लिए अभी तो हमने यार बहुत काम पड़ा है, सीखने वाला काम बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो इसलिए सर जी सर वो कोर्स की मालूमात वो वेबसाइट पे आपने कौन से बताया था जिस पे काउंट में आया था, याद नहीं आ रहा, एडिटेक एडिटेक ये लिखा हुआ एडिटेक, ठीक है। तो अब ये जो सा ना गूगल एडसन ये इस पे भी वर्क करेंगे, अपना एक ब्लॉग्स बनाएंगे, जो तो आर्टिकल राइटर है ना उसके लिए तो बहुत बेनिफिट है ब्लॉग्स बनाना, उसको एक ब्लॉग बनाना लाजमी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल राइटर है ना आप में से जो भी, उसके लिए मस्त है, उसको चाहिए ही, बल्कि उसको चाहिए ही कि वो एक आधा ब्लॉग्स अपना खुद बनाए। तो अगर है तो बताएं, मैं भी लिखवा लिया करूँगा, पे करूँगा लिखवाने के, आप में से कोई है आर्टिकल राइटर तो ठीक है मैं पे करूँगा, उससे इशू नहीं है। सर एक सवाल जी जी मेरा चैनल बना हुआ है तो वीडियो किस तरह से स्टार्ट करूँ, किस तरह की बनाऊँ, कब का बनाए, अभी जल्दी बना, अभी एक दो माह हुए। तो वीडियो आपने आपका कोई जो आप कहते हैं ना मुझे ना इस फील्ड में बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी फील्ड है मुझे लगती है, उस फील्ड में बनाओ, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, कोई एक आधी ऐसी फील्ड होगी जिसमें आप कहोगे यार मैं माहिर हूँ मुझे इस फील्ड में ना नॉलेज भी काफ़ी है और मैं इंटरेस्ट भी है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना उसमें बनाओ, जो मर्जी है कोई इशू नहीं है। अब अगर यूट्यूब पर सर्च करते हो ना आपका वैसे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सर एक ही किस्म की बनाऊँ या अभी एक ही किस्म की चले, आपका इंटरेस्ट किस में है बताओ, हिस्ट्री में है तो अब देखो, अगर हिस्ट्री में देखो ना तो मेरा ख्याल है हिस्ट्री में ना बेशुमार किस्म की वीडियो बनी हुई लोगों ने बनाई हुई है, क्या है कि आपने भी इस किसी एक को ना कॉपी कर लेना है, क्या करना है किसी एक का मतलब स्टाइल देखो, अगर हिस्ट्री में देखा जाए हिस्ट्री ये देखो, अब ये लोगों ने बनाई हुई हिस्ट्री, ठीक है ये जो चीज़ है ना ये वाला थंबनेल ये वाला ये मैं आपको सिखा दूंगा, ये इशू नहीं है, ठीक है। पर आपने हिस्ट्री पे ऐसे बनाना है, ये देखो
अब ये देखो इसके व्यू, इसके व्यू चेक कर लो, 3.3 1.3 mm है व्यू, तो जाहिर है लोग देख रहे हैं। उर्दू डायरी है, ब्रांड बना लिया उसने, एक उर्दू डायरी ने एक ब्रांड बनाया हुआ है अपना, ठीक है। ये देखो एक्सपोज वर्ल्ड, आप ऐसा कोई यूनिक नेम, क्या नेम है आपका हिस्ट्री का, उसमें नेम क्या रखा है? नेम तो मैंने अपना नाम से रखा है, ज़ुबैर सुल्तान ऑफिशियल। तो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। बाकी मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि यूनिक नेम हो ना, अगर ज़ुबैर ऑफिशियल नहीं है कहीं, आप नेम हमेशा वो रखो जो यूट्यूब में किसी ने चैनल ना बनाया हो, या बनाओ एक आधा बनाओ। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी को अपना चैनल का नाम बताते हो ना, वो डायरेक्ट निकलता है। अब मैंने एक टेक्निकल टेक्निकल पॉइंट किसी ने नहीं बनाया हुआ था, अभी मेरा चैनल आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने टैग्स नहीं लगाए और प्रमोट नहीं हुआ मेरी वीडियो। जिस दिन मेरी एक आधी वीडियो प्रमोट होगी, मेरे चैनल ने फर्स्ट पेज पे आने स्टार्ट हो जाना, ठीक है। ये चीज़ होती है सर। यहाँ पे चार पाँच बना सकते हैं चैनल, क्या कह रहे हैं? एक अकाउंट में तीन चार चैनल बना दो, या चैनल जितने मर्जी बेशुमार चैनल बना दो, कोई इशू नहीं है। मेरे चैनल देख लो, अगर मेरे बनाए होंगे पता नहीं कितने सारे बने होंगे, डेढ़ बना होगा, इसमें नहीं बना, दूसरे में बने, ढेर सारे चैनल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, पर एक चैनल ही, एक चैनल को लेके पहले चलाओ, दूसरे में कन्वर्ट ना होना, एक चैनल को लेके ही चलो। हिस्ट्री को ना, हिस्ट्री को तब तक उसकी वीडियो अपलोड करते रहो जब तक ना प्रमोट नहीं होती, ठीक है। तो वो थोड़े बहुत उसके एक वीडियो पे 3.5 के मतलब व्यूज हैं, एक वीडियो के राइट के व्यूज। तो आप इधर ना मतलब सर्च करें सर्च बॉक्स में साबिर सी एच, साबिर सी एच, साबिर साबिर सी एच पे खाता साबिर से भी आई यार, साबिर सी एच भी यार बी अच्छा साबिर एस बी आई ये वाला, ठीक है। तो अब ये है कि देख लो, उसने बेशक उसके नहीं है, अगर साबिर मैं सी एच लिखता हूँ तो फ्रंट पेज पे शो होता है, इसलिए अगर किसी को बताना चाहे तो बता सकता है इजीली कि मेरा ये वीडियो में इसमें आ रही। सिर्फ सिर्फ अच्छे व्यू भी ठीक जा रहे हैं, कब की बनाई हुई है देख लेते हैं, बाउथ में जाके चेक कर लेते हैं कब का इसने बनाया। चैनल बनाया हुआ है 13-17 का, फायदा ही नहीं अब चैनल का, क्योंकि एक साल देता है, एक साल में मोनेटाइजेशन ऑन करनी होती है आपने, एक साल का टाइम देता है यूट्यूब, ठीक है। अब ये गया सर, अब इसको इग्नोर कर दो, न्यू बना लो। उसकी ट्रेंडिंग में जाती है, उसकी जब डालते हैं ना उसके 4K 5K उसके व्यूज आ जाते हैं लाइक विक्टोरी में, ठीक है। तो कोई यही चीज है, यही चीज है, ठीक है। बहुत लोगों ने बनाए हैं ड्रामों के व्यू के, बहुत लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं। तो ये है कि बात ये है कि ये चीजों को ना, अब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ गए हो तो इसको कुछ ना कोई तो स्टेप लेना पड़ना है आपको अर्निंग करने के लिए, ठीक है। ये होती है, ये अर्निंग जो सी होती है ना यूट्यूब की अर्निंग, ये होती है फ्री की अर्निंग, क्योंकि आपने पहले पहले शुरू में मेहनत की होती है, बाद में आपको फ्री की अर्निंग क्यों आती है। अब ये देखो लोगों ने, अगर मोहब्बत तुझे अलविदा, अगर ये देखो जो है ना, इसमें लोगों ने रिव्यू दिए हुए खुद, रिएक्शन और रियल लाइफ रिव्यू, ये देखो अब रिव्यू में लोगों के अच्छे बने आए हुए, ये देखो 16 के आया हुआ है, ये देखो यार क्या जरूरत है। अब देखो 3 point मतलब वो अर्निंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेप दिखाते हैं, ये देखा एक छोटा सा। हाँ एक और चीज, एक चीज बताना भूल गया, अगर आपने किसी की कंटेंट उठाना है, कंटेंट थोड़ा सा भी उठाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट जब उसका उठाना है, आपने उसका कंटेंट मैक्सिमम 1 to 3 seconds के अंदर उठाना है, सिर्फ 1 to 3 seconds बस, इससे ज्यादा कंटेंट नहीं उठाना किसी का, ठीक है। अगर इससे ज्यादा कंटेंट उठाते हो तो वो कॉपीराइट इशू आ सकता है। पहले था जब मैं यूट्यूब यूज करता रहा हूँ तब तक 30%, ठीक है, तब तक 30% मैं 30% तक यूज करता था, मुझे कॉपीराइट का भी इशू नहीं आया। जैसे ही उन्होंने अपना चैनल को मॉडिफाई किया, जब भी चैनल को उसने मॉडिफाई किया तो मुझे जो कंटेंट मुझे उन्होंने डायरेक्ट वो लेके आए उसको 20% आप यूज कर सकते हो, मेरे चैनल उड़ गए दो। अब उसके बाद 5-4 महीने बाद फिर एक मोनेटाइजेशन, फिर एक अपडेट आई, उसमें उन्होंने कह दिया 50 seconds, मेरे सारे चैनल उड़ गए। 15 seconds जब हुआ ना मेरे चैनल उड़ गए, अब वो कहता है कि 9 seconds तक यूज कर सकते हो,
अब 9 सेकंड तक आप यूज कर सकते हो जितनी मर्जी यूज करो, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 9 सेकंड ना यूज करें, क्योंकि फ्यूचर में फिर अपडेट कोई न्यू आ सकती है। 1 से 3 सेकंड के अंदर क्लिप ले लें, जैसा कि अगर उनके रिव्यू देखे जाए तो, अगर मैं ये वीडियो चला के दिखाता हूँ, ये देखो वो 1 से 3 सेकंड के अंदर उसकी व्यू ले रहा है, ठीक है। तो ओके ठीक है, अब देखना उसकी वीडियो। Hey, जब बात करेंगे क्या कुछ दिखाया जाएगा, सीन्स हैं जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, बताऊंगा चुटकी में फोन से आपको सारे मजे के सीन ये देखो गए हैं, और आगे से आपको क्या कुछ दिखाया जाएगा। सिर्फ उतना ही हिस्सा दिखाया उसने, देखा है तो उसने क्या किया, उसे थोड़ा स्लोमो कर दिया, ठीक है, दिखाया है उसने फूल हिस्सा, अब उसने क्या किया उसे स्लोमो कर दिया। अभी देखो काफी क्रेजी किस्म की लड़की का मतलब थोड़ी सी आने, हाँ तो क्या किया है स्लोमो किया सिर्फ। तो आप यार ये सिर्फ ड्रामे है, मूवीज ले लो कुछ भी ले लो, पर क्लिप उठाना 1 से 2 सेकंड के, उसको स्लोमो थोड़ा सा कर देना, 1 से 2 सेकंड में उठाओगे स्लोमो करोगे और उसके बारे में शुरू हो जाओ। ये आजकल जो ट्रेंड में ना, ये बहुत चीजें चल रही ट्रेंड में, बड़ी गाड़ी को एक ये ट्रेंड में चल रही है, और एक चीज आपकी जो ट्रेंड में चल रही है वो ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग ट्रेंड में चल रही है, प्रैंक ट्रेंड में चल रहे हैं, तो उसके अलावा टिकटॉक पे जो उसे रिव्यू दे रहे हैं वो भी ट्रेंड पे चल रहे हैं। टिकटॉक वीडियो में भी आपको कॉपीराइट इशू नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टिकटॉक में जो साउंड है वो आप साउंड ऑफ कर दो ना, साउंड ना चलाना जो उन्होंने बैकग्राउंड साउंड लिया, तो उसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप टिकटॉक में वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बेशुमार तरीके हैं, सर्च करने पड़ने हैं आपको इतने, पर जो मोस्टली यूज हो रहे हैं ना, व्लॉगिंग यूज हो रही है, रिव्यू यूज हो रहे हैं, प्रैंक यूज हो रहे हैं, और गेमिंग यूज हो रही है। अगर किसी को पबजी गेम का शौक है तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक डेवलपर है क्लेवर, क्लेवर प्रोग्रामर, अगर देखा जाए ना लाइव स्ट्रीमिंग करता है ये, हर तरह की ऐप बनाता है लाइव स्ट्रीमिंग करके, हर तरह की ऐप। ये लिखा क्लेवर प्रोग्रामर, यहाँ पर क्लेवर प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग करता है, हर चीज़ लाइव करता है, ये है क्लेवर प्रोग्राम, यही है, हर तरह का प्रोग्रामिंग करता है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग में लोग इसको टिप दे के जा रहे होते हैं, टिप्स मतलब यूट्यूब ने एक ना आपको कह लो प्रोवाइड कर दिया है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि लाइव स्ट्रीमिंग करें, अगर कोई आपको पैसे टिप देना चाहता है, अगर उसको कोई वीडियो तुम्हारी अच्छी लगती है लाइव स्ट्रीमिंग में, तो वो पेमेंट दे के जाएगा। अब उसने ये किया है, अगर देखा जाए इसकी पेमेंट में, तो असल में ये मैंने जो उनका लगाया हुआ है, ये मैंने लगाया हुआ है कि जो भी कोई चैनल है ना उस पर अगर अगर ऐड आ रही है तो वो ऐड को सबको रिमूव करेगा, तो वो जितनी भी ऐड सबको रिमूव कर देगा, शो नहीं करवाने देगा। अब ये ऑनलाइन, अब ये देखो लोग टिप दे रहे हैं, ये बना रहे हैं मेक अमेज़न, अमेज़न क्लोन बना रहे हैं रिएक्ट के साथ, ठीक है। ये लोगों के रिव्यू आ रहे हैं बैक एंड पे, यहाँ पर लोग इनको मैसेज कर रहे हैं, टिप दे के जा रहे हैं क्लेवर को। अब टिप तो पता नहीं यहाँ शो नहीं होती, होनी चाहिए वैसे शो, तो देखते हैं टू चैट लाइव चैट, ठीक है। उसने कितने घंटे में, उसने 5 घंटे में पूरी वेबसाइट डेवलप कर दी है, किसकी तरह की, अमेज़न की तरह की, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि ये प्रोग्रामर है, डेवलपर है, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ऐप बना रहा है, तो लोग इसको टिप दे के जा रहे हैं मोनोटाइज के, मतलब सोचो कितनी अर्निंग कमा रहे हैं। ये भी क्लेवर प्रोग्रामर है, ये कोई और है, उसने डेवलपर मतलब हायर कर लेता है, लगा लेता है, ये भी लोग बहुत काम करते हैं कि लोग हायर कर लेते हैं, उस स्कूल के थ्रू यूट्यूब ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। शुरू शुरू में मेहनत है, मेहनत के बाद आप फिर जैसे मर्जी पैसे कमाए, कोई इशू नहीं है, अर्निंग बहुत कुछ। यार डक्की भाई का तो नाम किसी ने सुना होगा, साई वाला पाकिस्तान का फेमस तरीन यूट्यूबर है डक्की भाई, ये बनाता वीडियो किस पे है, ये रिव्यू पे बना रहता है, पर वीडियो बनाता थोड़ी सी मतलब गालियाँ गुमियाँ देते हैं थोड़ा सा, पर क्या है लोग लाइक करते हैं इसकी। हर वीडियो में व्यू चेक कर लो 2.15 M होंगे, हर में M से ऊपर ही है, मिलियंस से ऊपर ही है हर व्यू, हर वेबसाइट, हर उसके जो भी फैंकता है ना वीडियो, उसमें व्यू जाते हैं। क्यों जाते हैं, ये लोगों को, वो लोगों को रिव्यू करता है, ये ज़्यादातर मोस्टली टच करता है टिकटॉक को, टिकटॉक को टच करता है ज़्यादातर, पहले उससे पहले वो खुद प्रैंक करता था, टिकटॉक का वो करता है,
तो क्या है कि ये अब इसने एक चैनल बनाया था अपना डकी एक्स्ट्रा के नाम से। डकी एक्स्ट्रा क्या था, इसमें बताता था कि हमें पबजी गेम पे कमेंट्री करा था सिर्फ, और लोगों ने बहुत लाइक की और इसको फिर ऊपर चला गया। सिर्फ और सिर्फ ये बात है काम करने का उसे तरीका, मतलब काम कर रहा है, उसको पता लग गया कि अब अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई है। वो अब ना हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद एक वीडियो फेंक देता है, एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद वीडियो फेंक देता है और वो वायरल हो जाती है और आराम से इजीली वर्क कर रहा है। और वो मतलब सिर्फ सिर्फ इनको सिर्फ टेंशन क्या होती है, इनको टेंशन होती है कंटेंट कहाँ से लाना है, ठीक है, कंटेंट की टेंशन होती है। और गेमिंग को क्या कंटेंट की टेंशन, गेम चल रही है बोली जाओ जो मर्जी करो, आप आपस में खेल रहे हो, इसमें स्ट्रीमिंग करो, एक एक आपका सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है ना इस टाइम। जी जी एक चैनल है उसका नेम स्टेटस बाय जेके क्रिएटर। स्टेटस स्टेटस बाय जेके क्रिएटर, बाय जेके जेके क्रिएटर, ठीक है। ये किसका सर जी, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो कब का बना हुआ है ये आपका है सर जी? काफी देर का 9 फरवरी। ये मोनेटाइज व्यू तो काफी अच्छे हैं, पर हाँ इसके थ्रू आप व्यू ले सकते हो, ठीक है। वीडियो भी काफी बड़ी हुई है। असल में बात ये है, हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, बैकग्राउंड म्यूजिक लग गया, कहाँ से लग गया, असल में इसमें एक आपने एक ये किया है, इसमें आपने हर तरह का चीज डाली हुई, स्टेटस ये वो, हाँ इस वजह से नहीं आया। ओके ना सी, ये तो असल में इसमें कॉपीराइट इशू आ सकता है आपको सर। कैसे ये, एक मैं देखी नहीं वीडियो, एक मिनट देखने दो, मुझे एक वीडियो भी देखने दो, मैं देखता हूँ फिर बताऊँ। ये जो सा म्यूजिक यूज किया ना, ये म्यूजिक की वजह से आपको कॉपीराइट इशू आ सकता है सर। टी सीरीज से सर इशू आ सकता है, अदरवाइज नहीं आता। क्या कह रहे हो सर? अगर टी सीरीज से आप सॉन्ग लेते हैं ना तो तब इशू आ सकता है, अदरवाइज नहीं आता। तो आपने टी सीरीज से नहीं, हर किसी से इशू आ सकता है, कोई इशू नहीं है सर, बेशक वो टी सीरीज है या जो भी है। मैं आप अगर मेरा अभी आप यूज करते हो ना, मेरा भी मेरा बनाया हुआ कंटेंट या मेरा यूज करती हो साउंड, तो मैं आपको कॉपीराइट इशू अभी ला के दिखाऊंगा। मैं मेल करूंगा यूट्यूब को, इसने मेरा कंटेंट ये है, इसने मेरा कंटेंट ये यूज़ किया, मेरा रीजनल कंटेंट ये है, इसने ये यूज़ किया, उसी टाइम कॉपी, उसी टाइम आपका चैनल की वीडियो उड़ जानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये कोई बात नहीं, अब तो चैनल ठीक है, इसे इग्नोर करो, न्यू बना लो, कोई इशू नहीं, न्यू बनाओ, पर ये चीज़ें ना डालो, अपना कंटेंट डालो, ठीक है। बताऊंगा अभी ना, अभी कोई बात नहीं, अभी ये चीज़ें बनानी सिखाऊंगा आपको थोड़ा बहुत ना, कि कैसे होती है, लोग कैसे अर्निंग करें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इजीली होगा, बट बहुत वीडियो डाली हुई आपने 200 तक, फिर मेरे पास काफ़ी सारी वीडियो डाली है, देख लेते हैं कितनी आपने प्ले लिस्ट नहीं बनाई हुई, तो यहाँ बैक आके देखते हैं। जी जी करेक्ट, ओके आ जाओ। ठीक है 258 क्या मैंने कहा सर, चैनल ओल्ड है थोड़ा सा, वहाँ 258 है, 258 है, कोई 257 है, 58 वीडियो है मेरे पास, रेट आ रही है, ठीक है। तो अब ये है कि ये चैनल अगर वैसे चलाना है ना आपने, चलाओ कोई इशू नहीं है, ठीक है, इस पर अपलोड करते हो वीडियो अगर करना चाहे अपने अपने मजे के लिए वगैरह के लिए, पर इसके साथ मोनेटाइजेशन अटैच नहीं करनी, ये मोनेटाइजेशन अटैच होगी तो ये उठ जाएगा किसी तरह, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं अभी, और इसका टाइम भी गुजर गया, 1 ईयर बताता है, 1 ईयर के लिए होता है, फरवरी में तो खत्म हो गया वही, ठीक है। वन ईयर में आपने 4,000 वॉच टाइम होल्ड, ठीक है, ऑवर्स करने हैं, और उसके बाद 1,000 सब्सक्राइबर करने पड़ने हैं आपको 1 ईयर में, ठीक है। यूट्यूब का हमने क्या करना, यूट्यूब का कुछ भी नहीं करना, यूट्यूब में बता रहा हूँ एक्स्ट्रा वर्क है, वीडियो अपलोड किसी को शौक है अपलोड कर सकते हो, प्रोग्रामर जो भी है ना वो सारे यूट्यूबर में हैं, वो वीडियो अपलोड करते हैं यार, ये पैसे ये एक चीज पे नहीं जाते होते, हर सोर्स को टच करते हैं सर। सर मुझे इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग, तो आप प्रोग्रामिंग करो, मैंने रोका ही है। ये पब्लिसिटी है ना, आप
एक मिनट वेट करना, मैं सारा आपको डे से बताता हूँ। एक मिनट रुकना, मैं एक मिनट आया सर। वो तो ब्लॉग नहीं बनाएंगे, ब्लॉग से ज्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी यार। सर को आते लेने दो यार, आज इनको असाइनमेंट वगैरह। और लेक्चर को ब्लॉग होते हैं या ब्लॉगर होते हैं? ब्लॉग होते हैं, ब्लॉगर होते हैं यार। लेक्चर हुआ सर, वैसे ये ब्लॉग होता है क्या, किसी को पता है? नहीं, एक ब्लॉग होता है, एक ब्लॉग होता है, एक ब्लॉगर होते हैं बस। ब्लॉग वो होते हैं कि आप किधर मर्जी आउटिंग करने के लिए जा रहे हो तो आप उसकी वीडियो बनाने के, वो ब्लॉग होगा बस। और जो ब्लॉगर होता है उसके अंदर आपने अपना वो राइटर लिखना होता है, कोई कहानी लिखनी होती है, कोई स्टोरी लिखनी होती है, उसके ऊपर फिर ऐड लगते हैं, वो ब्लॉगर होते हैं। समझ आ गई भाई, समझ आ गई। साबर जी, यार लेक्चर कौन सा हुआ यार? बस जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बताने बताया उसके पास। क्या बताया? क्या स्विच स्टेटमेंट बनाई है तो बताइए, जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, स्विच और कंटिन्यू, ब्रेक और कंटिन्यू वाली। यार तुम्हें ब्रेक ही लगी, कंटिन्यू तो नहीं है यार। आज का टॉपिक था हमारा फॉर्म वैलिडेशन, नहीं था अभी सर कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ। आसिफ भाई आ रहे हैं जी? सर ने कहा अभी मैं आया। ठीक है आसिफ भाई। जनाब आला, जनाब सॉरी पर लास्ट नाइट। सर हम क्या कह सकते हैं, साबर ने असाइनमेंट बनाई यार ना रात में जेड़ा ना, मैं मतलब जल्दी गया तो सो गया, मैं पता नहीं लगा यार। फिर सुबह ना मैं तेरे लिए टीचर मैं मैसेज किया था, मतलब मैं 3 बजे तक ना जागना है ऐसे यार। सॉरी क्योंकि मैं जेड़ा ना मतलब याद याद भूल गया, मैं सो गया। हाँ जी, कोई असाइनमेंट हो तो यार मुझे बता देना, मैं अभी जो लीव कर रहा हूँ। अटेंडेंस हो गई? पता नहीं भाई, क्या कह रहे थे किधर भाई? यार कालो ने सामने सामने क्या की है? अरे आने ही है ये चेक, मैंने चेक करवाई है असाइनमेंट यार। हम मीटिंग अरेंज करते हैं, मेरी भी असाइनमेंट चेक करनी है। मैं पर स्टाइलिंग नहीं की, सिर्फ वही किया। नहीं मतलब जो है ना अभी तुम लीव कर, मैंने सही वाल जाना है। चल ठीक है, मैं सारे को चेक करवाता हूँ मीटिंग खत्म होने के बाद। तो अभी चेक करवा सबको? सबको नहीं चेक करवाते। नहीं भाई सामने ले आओ सब देख लेंगे। नहीं भाई नहीं, ये भाई मर्जी आपकी। अच्छा भाई ये बता, सिर्फ सामने फोन का चेक करवा देख नहीं पाओगे ना आप भाई की टाइम देख नहीं पाओगे यार। मतलब असाइनमेंट इतनी अच्छी होगी कि मतलब बंदा देखता रह जाएगा। स्टार्टिंग तक ही कोई नहीं भाई हमने। चलो मर्जी आप भाई। चल ठीक है, मैं आप फिर ऑनलाइन भाई यार सर को मतलब थोड़ा बता देने का, अटेंडेंस मेरी भी लगा ले, मैं अभी थोड़ा काम जाना है, बात बनी है तो भी सर को अपने लगता है। चल ठीक है मैं लगवा दूँ। ये भी अटेंडेंस नहीं हुई अभी। फिर बन गया जी अलमदार भाई। मैंने कहा अभी अटेंडेंस नहीं हुई, अगर आप ऑनलाइन हो तो अटेंडेंस हो जाएगी। सर ने ये कहा था, चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ सर आते हैं ना, उन्होंने कहते कह देते हैं कि सर अटेंडेंस लगा लेते हैं। ठीक है सर, अपनी वो असाइनमेंट चेक करवाओ सर। Ah
देख लो भाई, कोडिंग दिखाओ कोडिंग। कोडिंग में क्या कैरेक्टर यूज किया? कोडिंग 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 ये देख यार, स्क्रीन ही ब्लैक शो कर रहा है। ये कोडिंग है भाई। ओ भाई स्क्रीन ही ब्लैक शो कर रहा है। चलो अल्लाह खैर करेगा। ये बूटस्ट्रैप नहीं यूज की हुई है? जी बिल्कुल बूटस्ट्रैप पर भी यूज की है और HTML भी CSS। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया, पर्ल किया क्या, लूप किया? स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही यार स्क्रीन। हां ये कोडिंग है इसकी। बता यूज क्या किया हुआ, मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ यार, जो है ना मतलब जो नेविगेशन बार है। बूटस्ट्रैप को छोड़, जावास्क्रिप्ट का कोड बता किसने किया? इथा स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना वो मैंने C++ में किया, जावा का जावा में ही होगा। ये देखिए जावा कोड है। यूज क्या किया, इफल किया? समझ नहीं आई यार, दूसरा बनाया है और कॉल कर दिया बस। वेरिएबल लेके, वेरिएबल की जरूरत ही हो ना। अबे HTML में करना है क्या? HTML ये देखो इतनी देर का रोज पीटता हूँ, दिखाओ मैं असाइनमेंट, दिखाओ, दिखाते नहीं है बाद में दिखाते हैं आपको। ये मीटिंग ऑफ हो जाए तो मीटिंग में स्टाइलिंग वगैरह ने कुछ की तो कुछ बात कोई स्टाइलिंग वगैरह कुछ यार स्टाइलिंग बाद में कर लेना, दिखा दो सर हमने मतलब कह रहे कि असाइनमेंट दिखा दें, दिखाओ तो सही। अच्छा समझ ही नहीं आ रही थी कल के असाइनमेंट कैसे बनाए। इजी थी सब, मैंने सारा कुछ तो बता दिया, सिर्फ बटन लगाने थे आपने, क्लिक होना था और वो आया। असाइनमेंट है सर, इजी तो थी लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे वर्क करना है। सर स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा था, कैसे कर रहे हैं? असल में ये देखो मैंने क्या स्टार्टिंग पॉइंट एक ये था कि सारे वो बना लेने थे अपने फॉर्म। हो रही है सर ये काम, 10 मिनट का टोटल काम था। हां हो गया, ठीक है ओके। ये देखें सर, ओके ये चीज थी सर, कोडिंग दिखा देना इनको सर। ये केक, ठीक है ओके। ये चॉकलेट, ये देखें सर, ये पिज्जा आ गया, ये केक आ गया, ये चॉकलेट आ गया, ठीक है ये देखें ओके। ठीक है सर, ठीक है। स्टाइलिंग वगैरह सर मैंने नहीं, ठीक है। सिर्फ एक क्यों नहीं लगाई आपने, सिर्फ पता क्या लगाना था? जी सर ये ना जब तुमने आपने पिज्जे पे क्लिक करना था ना तो ना चॉकलेट और केक इन दोनों की आईडी को क्या कर देना था, हिडन कर देना था, मतलब डिस्प्ले नन कर देना था, बस इतना सा काम करना। सर वो मैंने वेरिएबल ऐसे कॉल की ये तो पर सर वही तो आपसे पूछना सर, नेस्टेड इफेक्ट्स काम ही नहीं किया इसमें यार, नेस्टेड चलना ही नहीं था। डॉक्यूमेंट डोंट गेट एलिमेंट बाय आईडी में, document.getElementById में जाके ये देखें सर, ये कोडिंग की हुई है। अच्छा फंक्शन लगना था, ठीक है। हां यार ये सर हार्ड शो का फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। ये केक के ये हार्ड शो आईटी शो करवाई हुई है। ओहो तुम ज्यादा बड़े वाले इशू में, लंबे वाले चक्कर में चले गए हो। सिर्फ करना क्या था मैं बताता हूं करना ये था, आपने एक फंक्शन पूरा बना लिया ऑल का, ठीक है। आपने ये करना था जावास ऑल शो हो रहे, ऑल शो हो रहे, ठीक है। आपने क्या करना था, आपने एक बताना था उसे एक वेरिएबल इफ की कंडीशन लगनी थी, इफ अगर ये जोन सी है मतलब पिज़्ज़ा अगर इसकी डॉक्यूमेंट आईडी बराबर हो इसके तो गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में ये चीज़ पिज़्ज़े की आईडी शो करवा दी, मतलब सबको हिडन कर देना था, उसे शो हो जाना था और बाकियों को क्या कर देना था आपने हिडन कर देना था, इतना सा काम था। चलो खैर ये भी ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, बस एक आपने बस रह गया आपका कि आप क्लिक करते हो तो वो ऑफ होता है, क्लिक करते हो तो ऑन होता है। हाँ सिर्फ आपका क्लिक पे है, ठीक है वो भी तरीका हो जाएगा, ठीक है। बस ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो
नेट पे सर्च करने थे व्यू ऑन क्लिक पे, ये मैंने मैंने कमांड लिख लिया, तो मैं सर आपको शाम में सर्च करके ऐसे करके दिखा दूंगा। हाँ ठीक है। और असल में वो ठीक है आयशा, बात यह है कि प्रोग्रामिंग इसमें हमें ऐसे ही करना पड़ना है, क्योंकि जो सी बिगनरिंग प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग इसमें ये था कि मैं आपको एक एक दिन लगाता जिसमें सिर्फ समझाता, ठीक है, एक एक चीज़ को समझाता, इफ की कंडीशन को एक दिन में मैं समझाता पूरा, और अगले दिन मैं उसमें फिर उसको प्रोग्राम बनाता, उससे अगले दिन मैं एडवांस पे लेके जाता, ठीक है। बट हमारे पास तीन दिन इसी में चले जाने थे एक एक प्रोग्रामिंग करते करते, तो इसलिए मैं एडवांस पे इसलिए गया हूँ, क्योंकि ये जो काम है ना, ये मेन्यू बनाना, ये एडवांस का काम है, इसमें सारा कुछ अप्लाई होता है, साथ ही ये लास्ट पे जाके होता है। मैं साथ साथ इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि टाइम कम है, दो दिन रह गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारी वर्ल्ड प्रेस स्टार्ट हो जानी है, तो वर्ल्ड प्रेस में भी वर्ल्ड प्रेस स्टार्ट होगी तो वर्ल्ड प्रेस में तो टाइम लगेगा, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस बेसिकली सर नहीं ऐसी सर मुझे समझ आ गई है सेगमेंट की, सर मैं आपको आज शाम को सेंड करूंगी। चलो ठीक है, मुझे सारी समझ आ गई है जी सर। सर मुझे बस पता नहीं चला, आइडिया नहीं हो रहा था कैसे वर्क करना। चलो ठीक है, बाकी मुझे सारा पता है। हाँ ठीक है, बाकी ये आइडिया यही था कि सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या था, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय में एक आईडी को शो करवा देना था, बाकी दो को हिडन कर देना था, जितनी फेल होनी थी उतनी उन आईडियों को हिडन कर देना था, एक को शो करा देना था। नेक्स्ट पे आपने क्या करना था, नेक्स्ट पे आपको उस वाली को शो करवा लेना, बाकी सबको हिडन कर देना था। वे हैं काम करने के, मुख्तलिफ वे हैं काम करने के, जिस तरह आपको अच्छा लगे वो करे। मैं जो बता रहा था वो आसान था भी, ठीक है, जैसा कि मैं पेंट में दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ बताना ये चाह रहा था सिर्फ। Okay. सारा आपने लूप नहीं अभी तक समझाई, लूप अब का लूप है। okay, sir. हाँ, तो अब ये देखो जैसे है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है, काफी सारी चीजें। स्क्रीन शो करवा दे। ओके ओके।